हाय इंग्लिश विद अली सर। आज हम जो टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई टीचर, हर कोई जो नया ऐसे होता है या राइटर होता है उस प्रॉब्लम्स फेस वो करता है राइटिंग में। तो राइटिंग कहाँ से शुरू करें, ये एक क्वेश्चन है। कैसे राइटर बना जाए या कैसे कॉलमनिस्ट बना जाए, कैसे न्यूज़पेपर्स में जर्नलिस्ट बना जाए, तो हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे अपनी राइटिंग की जो है शुरुआत कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं। इसका एक सिंपल तरीका है, मैंने कुछ यहाँ पर बोर्ड्स पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है, मतलब ये जो भी माइंड में आता जाता है उस पर आपने क्या करना है, फर्स्ट इनिशियल स्टेप में आपने ये करना होता है कि आपने एक पैरा लिखना होता है रोज। कोई भी टॉपिक जो आपके मन में आएगा, जैसे रूम है आपका, जैसे थॉट है, आइडिया है, स्पीकिंग पावर है, पर्सनैलिटी है, हैबिट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, थॉट है, एरोगेंस है, एटीट्यूड है, जो है डिजायर्स है, वॉन्ट्स है, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है, ट्रेवलिंग है, इमोशंस है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, एक्सीडेंट, वरीज, यूर सिटी, फ्रेंडशिप, पार्टी, क्राइम, एनमिटी, क्रिसमस, फ्रॉड, कियर, एक्सपीरियंसेस, पर्सनैलिटी, आइडियाज, माइंड, इनोवेशन, सोल, ब्यूटी, एरोगेंस, जॉय, हैप्पीनेस, वरीड फुलनेस। सो कोई भी टॉपिक आप यूज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके मन में आता है, कोई भी, यू कैन चूज एनी ऑफ द टॉपिक्स एंड राइट ऑन इट। कोशिश करें राइट करने की, अगर वो गलत भी हो जाता है तो पहले पहल गलत हो जाएगा, बाद में उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप सही करेंगे तो वो वक्त के साथ साथ ही हो पाएगा। और जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, फिर हम उसको क्या करते हैं, सिंपल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो दूसरा स्टेप होता है। पहला स्टेप यह है कि एक पैरा रोज लिखना है, दूसरा स्टेप होता है उसको कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए आपको कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ना पड़ेंगे। और तीसरा स्टेप फिर होता है कि आप उसको क्या करते हैं, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ना है एक टॉपिक कि हम ज्यादा चीज को कैसे कम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। और थर्ड है प्रेसी राइटिंग, हम प्रेसी कैसे करते हैं, प्रेसी राइटिंग होता है समराइज कैसे कर सकते हैं, समराइज मतलब हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। प्रेसी राइटिंग ये होता है, उसके स्किल्स कुछ होते हैं प्रेसी राइटिंग में, उसका जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। प्रेसी राइटिंग में ये होता है कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं उसको हम 33% या 40% में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पर लिख सकते हैं, और अपने से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके माइंड में आते हैं उन पर आप लिख सकते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर एवरीडे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो ये जो स्पीकिंग होता है या जो राइटिंग पावर होता है किसी का भी, तो वो जो है इंटेलिजेंस की बुनियाद पर नहीं होता कि वो कितना इंटेलिजेंट है वो बंदा, बल्कि इस बुनियाद पर होता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है, कितना हार्डवर्क करता है। सो लेट्स बिगिन टुडे, लेट्स स्टार्ट टुडे, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर राइटिंग एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड जस्ट राइट अप। And thank you for watching my video. Thank you.